ये देखिए हम्माद का पराठा ट्रायंगल वाला कितना परफेक्ट बनाया है इसने, और इसकी लेयर्स भी बराबर उसने फोल्ड की है। बस ऑयल की जगह इसने सूखा आटा रखा है। कितना प्यारा सा बनाया, बेलो इसको। वेरी नाइस। और यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, ये मेरा शादी का कप है। तो ये टूट चुका है आज फाइनली, तो हम्माद के हाथों से ये गिर गया है। और मैं इसे चाय पीकर मैंने इसे कहा कि इसको किचन पे रख दे, मैं अर्रू को देख लेती हूँ इतने, और उसके हाथ से ये छूट गया किचन पे रखते रखते ही। और 8 साल का सफ़र हमारा अभी यहीं ख़त्म होता है, मेरी शादी को 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं। हस्बैंड ने शादी के बाद ये मुझे गिफ्ट किया था, ये टूट गया। बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था, एक रिश्ता हो जाता है इंसान का साथ में। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और अब ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का नाश्ते के टाइम का। यहाँ पर आराम से मैं बात कर रही हूँ, और हस्बैंड जो है नाश्ता करके चले गए हैं, अपना दाल पराठे अचार चिकन वगैरह ये सब खा लिया उन्होंने, अब रख देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं हमारे लिए रोटी बनाती हूँ, हम्माद के और अपने लिए। बस यहाँ पर मैंने जो है आटा लगा कर रखा है। ये हो रहा है हमारा नाश्ता, है ना राम? ओए होए, और कप टूटने की वजह से चाय पीने में बहुत दिक्कत आ रही है। इतने छोटे कप में सुबह में चाय तो बिल्कुल नहीं चलती है भाई। जब तक बड़ा सा कप ना मिले ना सुबह में चाय का, तो मतलब मज़ा ही नहीं आता है। सबसे पहले मुझे लगता है कप लाना ही पड़ेगा बहुत जल्दी। चाय पीने में बनाने बिल्कुल अच्छा पड़ेगा, नहीं लग रहा, बनाने पड़ेगा। डैडी बोल रहे थे बनाना है कप। डैडी तो ऐसी मजाक कर देते हैं, दूसरा बनवाऊंगा ऐसे। चलो नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। अभी हो रहा है नमाज का वक्त जुम्मा की, और फटाफट से जो है मैं अपने कपड़ों पे आयन कर लेती हूँ। वैसे मैं मोस्टली जो है इस्त्री करके बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ कपड़े। हाँ, जिस पे लगता है ज़रूरत है तो ही करती हूँ, वरना नहीं। ऐसा एक होती है ना आदत लोगों के, बिना इस्त्री नहीं पहनते, तो मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। बट ये बहुत गुजुड़ बुजुड़ सा हो जाता है, प्योर कॉटन है तो इस पर इस्त्री करना होता है। और यहाँ देखिए जो है हम्माद नमाज़ पढ़ के आ चुका है, हाथ में टोपी लेते हुए आ रहा है। बच्चा बहुत थक जाता है और बहुत बार उसके चक्कर होते हैं, ऊपर नीचे जाना आना, कुछ सामान लेने, खेलने के लिए, ट्यूशन के लिए, हर चीज़ के लिए। और इसकी हिम्मत है, ये इतनी बार आता जाता है, हम तो बहुत थक जाते हैं। और यहाँ पर जो है हमको इस्त्री चाहिए गरम गरम हाथ लगाने के लिए। तो इस्त्री मेरी हो चुकी है डन, और अब मैं सबसे पहले प्लग निकाल के इसको रखती हूँ एक सेफ जगह, जहाँ पर बच्चों का हाथ ना जाए। मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से। और बस यहाँ अम्मा से बात कर रही, कुछ बता रहा है वो अपने बारे में। और अरहम को सिर्फ जो है इस्त्री चाहिए, तो कहीं और रखना कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने यहीं पर ही रख दिया किचन के स्लेब पे ऊपर। इतना मैं नहा लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, इतनी ये ठंडी हो जाएगी, फिर मैं इसको उठा कर रख दूँगी। और बस यहाँ पर जब है और अपना ड्रेस वगैरह लेके मैं जाती हूँ नहाने। अरहम को देखो यहाँ पर कैसे मोबाइल की जिद लगी है। अरे रुको, इतने बाइल, चलो लो मैं नहा के आती हूँ इतने। चलो फिर अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है? तुम भी पढ़ोगे अल्लाह अल्लाह? जितनी बार भी चड्डी बनाओ सुसु के लिए तो निकालनी पड़ती बार बार, फिर सब बोलेंगे वीडियो में नंगा ही रहता है ये बच्चा बस। अच्छा चलो बाय बाय कर दो मोबाइल के लिए कितनी जल्दी, बाय। चलो ध्यान से होमवर्क करो। हाँ क्या लिख रहे हो? वेरी गुड। फिर उसके बाद वेरी गुड। देखो 3 टाइम लिखना है। हाँ लिखना बराबर, अच्छे साफ। चलो क्या पढ़ रहे हो आयु? अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे हो? कैसे पढ़ के बताओ? ऐसे? ओहो, आता है तुमको। चलो हटो, अभी मम्मी को पढ़ने दो। चलो जल्दी से हटो, जल्दी से। तुम मुँह में खा रहे हो ना, क्या खा रहे हो? फिर नीचे गिर जाएगा सब, हंसोगे तो। चलो हटो जल्दी से, चलो जल्दी से मम्मी को पढ़ने दो, अभी जल्दी हटो। गुड बॉय हो ना, जल्दी 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 से हट जा बेटी।
हट जाओ मेरी गुड़िया, बस हो गया रू, चलो देखो सब गिर जाएगा तुम्हारा, ये देखो ये गिर गया ना एक दाना, चलो उठो जल्दी से उठो, चलो जल्दी जल्दी, गो 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 गो, जल्दी 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 से हटो, चलो हटो। आज हम्माद का होमवर्क हो नहीं पा रहा है, कितना टाइम लग रहा है हम्माद आज। अब मेरे बच्चे की आज डबल डबल मेहनत हो रही है, ये देखो बताओ हम्माद बड़ी। बच्चे ने एक पेज यहाँ पे लिखा और पूरा, और हमने पेंसिल लिया, बच्चा पानी पीने गया और पूरा ख़राब कर दिया। अब यही फिर से इसको यहाँ लिखना पड़ रहा है, आज बच्चे की डबल डबल मेहनत हो रही है ना। और भाई साहब क्या कर रहे हो, सेठ सेठ छोटे सेठ क्या कर रहे हो, इधर तो देखो, अय हो खरगोश क्या कर रहे हो, रू किसके बाल कर रहे हो, मम्मी के बाल खोल दिया, रू आरू आयू कितने प्यारे लग रहे हो, वाह। अच्छा चलो मम्मी का क्लेचर निकाल लेना, तुमने मम्मी का क्लेचर निकाल दिया ना, यस मैं निकला पेंसिल प्लेचल क्या रू क्लेचर बोलो प्लेचल चलो अभी मम्मी के बाल बनाओ जल्दी से, तुमने निकाल लेना क्लेचर, जल्दी से मम्मी के बाल बनाओ, चलो आउच, हाँ हल्के हल्के करो बिन्ना, हल्के हल्के करो जल्दी से, हल्के हल्के बाल बनाओ, ऐसे नहीं बिन्ना अभी कंघा कर रही मम्मी ने, चलो जल्दी से बनाओ। आयु ने क्या पहना, क्या पहना, वाइट कोट, वाइट कोट, अरे हाय वाइट कोट, वाइट कोट बोलो, मैं अच्छा लग रहा हूँ, पूछो मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा। अम्मा जल्दी जल्दी लिखो, चलो चलो खाना खाते फिर फटाफट, अभी लग रही इस लड़के का आज पता नहीं होमवर्क कब होएगा, बाबा भूख लग रही है अब। आज के मौसम में धूप भी है और ठंड भी है, अच्छा लग रहा है, धूप में आओ ना तो सूरज एकदम ऐसा सामने पड़ता है मुँह पे और आंखें नहीं खुलती, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और धूप भी अच्छी हो रही, तो अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, मौसम अच्छा है। और हम यहाँ से देख रही हूँ तो जितनी भी गैलरी सबकी ओपन है, टेरेस ओपन है, सबके यहाँ पे कपड़े फैले हुए, सबके कपड़े सूख रहे हैं और हमारे यहाँ पर भी कपड़े सूख रहे हैं। तो जब मौसम अच्छा होता है फीलिंग्स भी अच्छी आती, अब अच्छी सी वाइब आती है। और अभी अभी ये बच्चा जो है खड़ा यहाँ पर, कहाँ है ये बच्चा, ये रहा ये बच्चा गिर गया है ना अज्जू, कहाँ से गिरे गुड़िया बताओ, गाड़ी, ये गाड़ी, ये गंदी गाड़ी ने गिरा दी, देखो गिर के पड़ी, ये बच्चा मेरा खड़ा हो रहा था और इतनी तेज स्लिप हुआ कि इसके यहाँ पर लग गया एकदम। आज के दिन हम्माद का होमवर्क नहीं होना है, भूख इतनी लग रही है बहुत बहुत ही ज़्यादा कि दिल कर रहा है खा लो, पर इसका होमवर्क होने के बाद ही खाऊंगी, शक्ल से तो ऐसा लग रहा है रोज़ा जैसे है ना, थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लेते पहले, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे बिना खाना नहीं खाता, चाहे कितनी भी भूख लगे तो मेरा भी फर्ज है, मैं भी मेरे बच्चे के बिना बिल्कुल खाना नहीं खाती हूँ, हम दोनों साथ में ही खाते हैं। क्या बेटा गैलरी में आऊँ, क्या करूँ गैलरी में, क्या देखोगे, क्रो देखूं, क्रो दिखाऊं तुमको, अच्छा इस बच्चे को यहाँ बैठना है, रुको यहाँ बैठना है, इस पे बैठना है, रुको क्रो पिजन सब देखने है ना, पिजन हाँ पिजन हाँ पिजन, चलो आओ बैठाऊं, चलो 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 रू मत, थोड़े ही है दादा, थोड़े ही है, ज्यादा वादा नहीं है, चलो पापड़ भी लो, हटाओ दस्तरखान तो सही से रखो हम्माद, अरे तुम ही रखे, अच्छा खुद ही फोल्ड होता है फिर वो, आगे हो जाओ थोड़ा सा आराम, चलो तुम भी ऊपर चढ़ के बैठो,
आराम आयु ऊपर चढ़ के बैठो जल्दी से। चलो आयु क्या कर रहे हो? डुड्डू तुम्हारा गरम हो रहा है, अभी ठंडा होएगा फिर दूंगी डुड्डू, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया है अरहम का सोने का टाइम दोपहर में। हम्माद के ट्यूशन जाने के बाद वो सोता है और कैमरा देख के अपनी आँख बंद कर रहा है, वो ऐसे बॉटल पीते पीते सो जाता है। लेकिन ये है कि मुझे उसके साथ में लेटना होता है और थोड़ा सा कोशिश करूँ कि मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि मेरी आँखें नींद से दुख रही है। और यहाँ पर जो है शाम में फिर सूरज इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छी सनलाइट हो रही थी, सो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, काफ़ी दूर है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये जो नज़ारा होता है ना बहुत अच्छा, और जब मौसम इतना अच्छा होता है ना ठंडा ठंडा तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल करता है बस यहीं रहो गैलरी में। और अब मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ बाहर, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इतने ज़्यादा पतंग उड़ा रहे लोग, शायद आपको कैमरे में इतनी ज़्यादा ना दिखे क्योंकि कल मकर संक्रांति थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा लोग पतंग उड़ा रहे थे ना चारों साइड। अब मेरे ये साइड भी था लेकिन मैंने शूट नहीं किया, बस यहीं सामने आपको दिखा रही हूं। सौदा आ गए हैं तो इसलिए मैं आरु को बोलती हूँ आयु आयु मम्मी आ गए है ना, आयु मम्मी आ गए हैं। कुछ कुछ और नानी जा रहा हूँ। आरु कहाँ जा रहे हो? अम्मी पास। और मैं साइकिल लेके जा रहा। थप्पड़ लेके चलना, साइकिल लेके जा रहा। मेरी आयु अच्छी है बस। आयु आलू सो, आज आयु के बाल में ऑयल है। चलो चलो जल्दी से, टाइम हो रहा, फटाफट विंडो से विंडो बंद करो। चलो ये देखो, और हमको मच्छर काट रहे हैं, तो अरहम ने अपना ये चादरा ले लिया है यहाँ पर, है ना अरहम? और अरहम तुम कहाँ गिर गए बता दो बेटे, यहाँ पे मेरे बच्चे को लग गया है नशा। अच्छा कोई नहीं चलो, नहीं देख रहे, बस मेरा बच्चा आते आते रास्ते में गिर गया है ना आयु। बोलो कोई बात नहीं, हाँ मामू बचा लिया। हाँ बोलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बोलो क्या बोले तुम, क्या बोले, कैसे बोलती है, क्या बोले, बोलो बोलो ना जल्दी से, मेरा बच्चा बता दो क्या बोले तुम। पुम, तुम बोलने के बाद अरहम को शर्म आ जाती है ना अरहम। पुम पुम, तुम बोलो तुम। पुम क्या हुआ बेटे, नाखून बदे, नाखून बदे कहाँ होने देते हो तुम, ना दांतों से कट कट कर लेते हो मम्मी की तरह। मम्मी तो फिर भी अभी थोड़े बड़े हो रहे हैं मम्मी की तो। अच्छा चलो इतने बाइल दे दूँ और इतने में काम कर लूँ। सब बाजार ला के ऐसे ही पड़ा हुआ है, आज लेकर आई हूँ न्यू वाइफर, बहुत साल चला लिया उस बेचारे को मैंने, अब उसकी रिटायर होने की बारी है। और ये सब रखती हूँ, इतने अरहम मोबाइल देख लेता है, खाने पकाने का टाइम हो रहा है ना। चलो शाम में जो है मैं बाज़ार चली गई थी, और फिर अब बाज़ार से आई हूँ तो यहाँ पर अरहम जो है वो अपनी टोपी लगा कर घूम रहा है अपने भाई की, और यहाँ पर इतना सारा मैं बाज़ार लेकर आई हुई हूँ, ये सब आपको दिखा रही हूँ, बस ये धीरे धीरे रख रही हूँ। और बस दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है, दिन भर के कामों में बच्चों में इसी तरीके से दिन बीत जाता है। और कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड कर पाऊँ आप लोगों के लिए, तभी आप लोगों के और हमारा जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कनेक्शन ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमारा। तो बस मेरी यही कोशिश है, बट आप लोग प्यार देते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करिए।